हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया ही हो गए और बढ़िया रहन दिया होगा। तो चैप्टर वन रियल नंबर क्लास टेंथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। अरे भाई साहब, इसे लिखते लिखते मैं बोर हो गया। बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आपको जानकारी के लिए बता दूं छोटी सी 2 मिनट की बात कि ये क्वेश्चन है ना, इसमें क्लियरली एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। ये तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा करना कैसे है। जो भी है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था इस चैप्टर में। तो असल में इसमें से आता है 1 या 2 मार्क्स का। अगर आप स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है, मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर भी एक वीडियो बना ही दूँ मैं, बेसिक और स्टैंडर्ड में। अब कई ये कहेंगे जी हमें नहीं पता बेसिक क्या है स्टैंडर्ड क्या है। बेसिक वो है जो एनसीईआरटी से आता है सारा पेपर, और स्टैंडर्ड वो है वो एग्जाम्पलर आ रहा है सारडी फलाना ढिकाना, लॉजिकल क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनको मिलते हैं। जिनको आगे मैथ्स पढ़ना है वो ही स्टैंडर्ड ले सकते हैं, और जिनको आगे मैथ्स नहीं पढ़ना वो बेसिक ले सकते हैं। वैसे तो वीडियो बनाने की अब ज़रूरत नहीं है, मैंने सब क्लियर ही कर दिया है। मैं बहुत क्लियर करने में बहुत हूँ, क्लियर कट मारता हूँ मैं। चलो छोड़ो, अब तुम क्या समझोगे। तो क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही लेंथी दिख रहा है, बड़ा है। मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चन ऐसे है ना, लॉजिकल टाइप 1 मार्क क्वेश्चन में बहुत हैं, बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में से काफ़ी हैं। आता ही इसमें से 2-3 नंबर का है, तो टीचर भी इतना बड़ा क्वेश्चन लिख के नहीं देगा, पागल नहीं है वो भी। 4 नंबर के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, और वो आगे चैप्टर्स हैं वॉल्यूम के, सरफेस एरिया के, वो उसमें से आएगा। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के आते ही नहीं हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। बट एनसीईआरटी है तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं इस बात का भी पक्ष रखना चाहूँगा कि अगर एनसीईआरटी है तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी बकवास लगी हो ये सब, तो सॉरी। अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं बिना टाइम बेकार करते हुए। तो देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर जिनकी इंग्लिश बढ़िया है, भाई साहब पहले भी ताली बजाई थी और अब भी बजा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलो छोड़ो, अब तुम क्या समझोगे। अब मैं इस क्वेश्चन की हिंदी बता दूँ पहले। एक भैया सर्कुलर पट्टी है, जो दौड़ मारने वाले भैया उन्हें पता होगी, खेलने कूदने वाले हमारे। तो सर्कुलर पट्टी है, स्पोर्ट्स फील्ड लिखा ही है, फील्ड वील्ड हमें पता हमारी कैसी फील्ड है। एक सोनिया नाम की लड़की है, 18 साल की नहीं, 18 मिनट लेती है उस चक्कर को मारने में। एक रवि नाम का लड़का है, ठीक है ना, वो 12 मिनट लेता है काम ख़त्म करने में, ठीक है ना। सपोज़ सोचिए, दोनों सेम पॉइंट पे खड़े हैं, सेम टाइम स्टार्ट कर रहे हैं और सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। 3 बात आ गई हैं इसमें, सेम टाइम, गाना सुना होगा सेम टाइम सेम डायरेक्शन और सेम ही पॉइंट, ठीक है ना। फिर उनने पूछा है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे गेट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आपको याद हो, एक्सरसाइज शायद 1.1 में था एक क्वेश्चन, हाँ ये रहा, ये वाला एन आर्मी कॉन्टिंगमेंट, ये मैंने अच्छे से समझा रखा है। इसकी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लो। तो वो भी यही क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला ही क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। तो उसमें निकालना था, मैंने बोला एससी हाईएस्ट है तो एलसीएम निकालना है। बट अब इसमें पूछा है एलसीएम कहाँ लिखा भैया, लोवेस्ट तो कहीं नहीं लिखा, कुछ तो कहीं नहीं लिखा। तो इसकी पहचान इसी लाइन में पहचान हो रही है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स। कम से कम तो नहीं लिखा, बट आपको खुद ही समझना है ना कितनी देर में मिलेंगे। अब हम बोलते हैं कम से कम कितनी देर में मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो कोई नहीं बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर में मिलेगा, कम से कम कितनी देर में मिलेंगे वो आपस में स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये हो गई एक पहचान जुगाड़ी स्टाइल में, ठीक है ना। और क्वेश्चन ही पढ़ना है तो भैया क्वेश्चन में तो एलसीएम सीधा छुपा पड़ा है अंदर, जुगाड़ी स्टाइल ही समझ लो तुम, वो ही बढ़िया है। तो एलसीएम कैसे निकालना वो बस मेन समझने की बात है। एलसीएम तो आप सब निकाल दो 18 और 12 का, ज़्यादा देर की बात ना, 1 मिनट में निकल जाएगा एलसीएम। तो दिक्कत है सारी समझने में, क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं जितना मैंने आपको बड़ा करवा दिया, बट बात थोड़ी बड़ी थी इसलिए मैंने एलसीएम निकाल देते हैं। अब इसका बिना टाइम वेस्ट करें, द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18-12 का एलसीएम इस तरीके से निकाल लो भैया, 6 से निकाल लो, जरूरी ना 3 से निकालो, हमें पता 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 से हो जाएगा, 3 और 2, अब 3 2 दोनों ही आ गए ना, 1 2
1 1 तो हो गए 6 × 3 × 2 6 × 18 18 × 2 = 36। तो आंसर क्या हो गया आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो 36 मिनट, डैट इज आंसर। तो आप क्वेश्चन समझ ही गए होगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, खुल के करो। और ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 क्लियर हो चुकी है। आप चाहते हो मैं आगे भी पढ़ता रहूं, इसी सपोर्ट देते रहूं। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।